बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बकरीद स्पेशल मटन ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है ये बिरयानी। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो उसके लिए सबसे पहले एक चौथाई टुकड़ा जायफल का लेना है, एक बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, 4 लौंग है, 4 छोटी इलायची, आधा जावित्री है और 1 टीस्पून है ज़ीरा। तो इन सबको ग्राइंडर जार में डालना है और इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो इसका पाउडर जब बन जाएगा तो हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और इसको हम रखेंगे साइड में। तो इसका इस्तेमाल कब करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। मसाला साइड में रखना है, फिर यहाँ पर लेना है 10 से 12 लहसुन है, तो यहाँ पर बड़े साइज़ का है। बिरयानी में अदरक और लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डाल जाता है। हरी मिर्च है, 5 से 7 लेना है, आप टेस्ट के हिसाब से लें। और अदरक भी लेना है थोड़ी ज़्यादा ही, क्योंकि मटन में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर अदरक लहसुन और मिर्ची का बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, इसको हम रखेंगे साइड में। 1/4 कप लेना है गरम दूध और उसमें 1 पिंच डालना है ज़ाफ़रान, क्योंकि हम ज़ाफ़रानी बिरयानी बना रहे हैं तो ज़ाफ़रान डालना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर हम इसमें आधा टी स्पून डालेंगे येलो फूड कलर, और ये जो मसाला हम बना कर रखे हैं आधा मसाला अभी डालेंगे और आधा मसाला का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो आधा मसाला हमने साइड में रखना है। फिर 1/4 कप के बराबर लेना है दही, तो फ्रेश दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। और दही डालने के बाद इसको फिर से एक मरतबा अच्छे से मिक्स करना है, और इसका इस्तेमाल हम बिरयानी की लेयर लगाने में करेंगे, इसको भी हम साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले हम चावल बॉईल करेंगे। तो मैं आधा किलो मटन और आधा किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ, तो बस इसको हम रखेंगे साइड में। तो यहाँ पर 2 लीटर पानी बॉयल होने के लिए रखेंगे। पानी में जैसे ही उबाल आएगा तो इसमें हम चावल डालेंगे, आधा किलो चावल है, और चावल को लॉन्ग बासमती राइस है, तो चावल को आधा घंटा पहले ज़रूर भिगाएं, इससे बिरयानी का चावल बहुत ही खिला खिला और बड़े बड़े सा बनता है। फिर यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम नमक डालेंगे, तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है चावल में बिरयानी के। फिर उसी के साथ हम डालेंगे केवड़ा एसेंस, तो 1/4 टीस्पून के बराबर केवड़ा एसेंस डालेंगे और इसको कवर करके पकाएँगे जब तक कि इसमें हाई फ्लेम पे एक उबाल नहीं आ जाता। इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे इसमें उबाल आएगा फिर इसको 4 से 5 मिनट तक इसी खुले पैन में पकाना है। तो अब जब इसमें उबाल आ जाए तो पैन को डबल से बंद नहीं, कवर नहीं करना है ढक्कन से, और चावल को हम तोड़ के देखेंगे, चावल में बस एक कनी बाकी रह जाए फिर चावल को हम छान लेंगे। चावल हमारा डन है। फिर हम प्रेशर कुकर को गर्म करेंगे, उसमें 1/2 कप तेल डालेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा डालना होता है बिरयानी में, तो इसके लिए 1/2 कप तेल डालूंगी मैं, और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो ये बिरयानी में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हरी मिर्च को आप जितना बिरयानी को तीखा रखना चाहते हैं इस हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर लें। 1/2 किलो मटन है, हड्डी के साथ है, अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, और बस इसको भूनना है 1 से 1.5 मिनट तक। तो 1 मिनट बाद फिर हम इसमें ये जो मसाला बचा कर रखे थे, जावित्री, जायफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची का जो पाउडर हम आधा बचा कर रखे थे, वो पूरा मसाला डाल देंगे और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मसाले को डालने से बिरयानी में बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है, जो कि बिरयानी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। फिर यहाँ पर कुछ साबुत मसाले डालना है, तेज़पत्ता, काली मिर्च और लौंग है, एक फूल है और 2 दालचीनी का टुकड़ा है। तो सारे मसाले डालने के बाद फिर से इसको भूनना शुरू करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून है नमक। तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से अपने लें, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद है वैसा लें। 1/4 कप फिर से यहाँ पर हम दही डालेंगे और सारी चीज़ को हम अच्छे से भुनने देंगे जब तक के सारे मसाले, दही वगैरह आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती, जब तक हम इसे भूनेंगे और दही में से भी थोड़ा पानी रिलीज़ हो जाएगा और गोश्त में से भी पानी रिलीज़ होगा। तो इसके लिए हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट तक इसको भूनने के बाद इसकी लीड लगाएंगे हम प्रेशर कुकर की, और गोश्त को 100% गलने देंगे। तो जब 100% गोश्त हमारा गल जाए तो गैस के फ्लेम को नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। और यहाँ पर देखिए प्रेशर जब रिलीज़ हो जाएगा तो हम गोश्त को चेक करेंगे, गोश्त बहुत ही अच्छे से भुन गया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो 5 मीडियम साइज़ की प्याज को हम फ्राई करके रखे हैं, तो इसमें से थोड़ा सा हिस्सा बचाएंगे गार्निश के लिए और पूरी प्याज को डालेंगे। और अगर आप चाहें तो प्याज को आप ग्राइंडर जार में थोड़ा सा चला कर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर टाइम कम था तो इसके लिए हाथ से ही क्रश करके डाल दी।
तो ये बस हमारा बिरयानी का मसाला तैयार है। अब हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले चावल की लेयर लगाना है। तो ये देखिए चावल अगर थोड़ी देर तक रखे रहते हैं तो इस तरह से इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इसको आपने हाथ से अच्छे से अलग कर लेना है, तभी हम लेयर लगाएंगे तो हमारा चावल बिल्कुल खिला खिला बनेगा। फिर गोश्त की आधी लेयर यहाँ पर लगाएंगे और आधा गोश्त और मसाला बचा कर रखेंगे, सेकेंड लेयर में उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त की एक लेयर लगाने के बाद तो यहाँ पर दूध, दही, ज़ाफ़रान और जो मसाले वाला मिक्सचर हम बनाए थे वो यहाँ पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, पूरा नहीं डालना है, तीनों लेयर में हम थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। और ये डालने के बाद इसके ऊपर हम तली हुई प्याज, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और फिर से हम चावल की लेयर लगाएंगे। इस तरह से हमें तीनों लेयर को असेंबल करना है। तो बाकी बचा हुआ जितना भी गोश्त और मसाला है पूरा डाल देना है। अगर आप बिरयानी में बहुत ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाला पसंद होता है, तो आप प्याज की क्वांटिटी बढ़ा लें तो उससे मसाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको अगर ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप अपने हिसाब से, मैं यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस बिरयानी में जूलियन कट अदरक को ज़रूर से डाला जाता है लेयरिंग में, तो ज़रूर डालें, इससे टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। और फिर से बाकी बचे हुए पूरे चावल को ऊपर से लगा देना है और फिर यहाँ पर दही और दूध वाला मिक्सचर डालेंगे, फिर तली हुई प्याज, हरा धनिया डालेंगे और जूलियन कट अदरक डालेंगे और बस बिरयानी को दम पे लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हरा धनिया डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तो क्योंकि चावल रूखा होता है तो थोड़ा सा तेल या घी ज़रूर डालें, तभी बिरयानी हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। फिर इसको हम कवर करेंगे कोई भी कपड़े या फॉइल पेपर से, फिर हम इसको कवर करेंगे, ये देखिए इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको हमने कोई भी हैवी बॉटम का तवा लगाना है। अगर आपका पतीला मोटे तले का नहीं है तो तवा लगा के और इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए दम होने देंगे और 15 से 20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिरयानी हमारी बहुत ही अच्छे से दम हो गई है, तो इस तरह से इसमें बहुत अच्छे तरीके से भाप निकलना चाहिए, जब भी हमारी बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए बिल्कुल भी चावल एक में एक लग जुटा हुआ नहीं है, एक एक चावल अलग अलग है, बहुत ही बेहतरीन ये बिरयानी बनती है। ज़रूर से आप ट्राई करिएगा और आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रेसिपी पसंद ज़रूर आएगी अगर आप इस मेथड से इस बिरयानी को बनाएंगे तो। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल की नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।